उस काल में शिष्यों की संख्या करोड़ों में रहेगी, लेकिन सदगुरु का एक संकल्प है, वह अपने संकल्प के तहत अपना कार्य करता है। स्वामी जी ने क्या कहा, 1 लाख जीवों को मैं संसार के बंधन से मुक्त करूंगा, 1 लाख जीवों को जब मैं अमल लोक भेज दूंगा तब विचार करूंगा कि मैं जाऊं कि रहूं। वह शक्ति जो है कार्य कर रही है, जिससे जो सेवा लेनी है ले रही है। प्रचार कार्य अबाध गति से चल रहा है, दिन दूना रात चौगुना बढ़ रहा है। इसके पीछे वह जो आध्यात्मिक शक्ति है, अव्यक्त शक्ति है, निरंतर कार्य कर रही है। जीवन के अंदर आवश्यकता है उस शक्ति को प्राप्त करने का, उस शक्ति को ग्रहण करने का, उसकी कृपा सबके ऊपर है। सद्गुरु की दृष्टि में कोई नीचा नहीं है, कोई ऊंचा नहीं है, कोई गरीब नहीं है, कोई धनी नहीं है। उसकी दृष्टि में न हिंदू है, न मुसलमान है, न सिख है, न पारसी है, न यहूदी है, न बौद्धिस्ट है। उसकी जो दृष्टि है सबके ऊपर एक समान रहती है। उसकी जो कृपा है सबके ऊपर है। सदगुरु जो है सबका कल्याण चाहता है, सबका उद्धार चाहता है। सदगुरु चाहता है हमारे जो भी शिष्य हैं, साधक हैं, हर तरह से हर क्षेत्र में विकास करें, शरीर से वे स्वस्थ रहें, उनका मानसिक तनाव भी दूर हो जाए, उनके परिवार में अमन चैन शांति कायम हो जाए, वे अपने व्यापार में, बिजनेस में, सर्विस में तरक्की करें और अंत में भी ब्रह्म विद्या विहंगम योग के चेतन साधन के द्वारा प्रभु को, परमात्मा को प्राप्त करें। जिस पूजा में, जिस ध्यान में, जिस उपासना में, जिस योग में वाइब्रेशन नहीं है, शरीर में कंपन नहीं है, थर्राहट नहीं है, उर्ध खिंचाव नहीं है, उसको विहंगम योग पूजा नहीं मानता, उसको विहंगम योग ध्यान नहीं मानता। विहंगम योग ध्यान उसे मानता है जिसके ध्यान करने से उल्ट खिंचाव हो, शरीर में थर्राहट हो, शरीर में वाइब्रेशन हो, शिर प्राण चेतन हृदय खींचे,
सिर पार चेतन हृदय खींचे भाव शुभ लक्षण मिले महापथ सुसमन खुले महापथ सुसमन खुले जहाँ कंप दोनों तन हिले रास जरन विकास चेतन योग आसन बाधियो मांग पूरण गुरु दया में मांग पूरण गुरु दया में योग अनुभव साधियो। शरीर के अंदर एक ऐसी शक्ति है जिसका नाम है कुंडलिनी शक्ति। जो क्या है? सर्वाकार है। जो मेरुदंड के आश्रित है। जो अपने फन से उस विवर को उस द्वार को बंद किए हुए है जिसके परे चेतन महामंडल है। जब तक वह अपने फन को वहां से हटाएगी नहीं तब तक आपका ध्यान नहीं होगा, आपकी साधना नहीं होगी। और अगर साधना होगी भी ध्यान होगा भी उसका आधार चेतन नहीं होगा, उसका आधार जड़ होगा। ब्रह्म विद्या विहंगम योग के अंदर आपकी जो ब्रह्म नाड़ी है उसको सद्गुण खोल देता है, आपके बंद द्वार को खोलता है, आपकी चेतना को ऊर्ध करता है, आपकी शक्ति को जगाता है। शक्ति जो हो है जो सोई हुई है और सुप्ता अवस्था में आप पूजा कर रहे हो, आप ध्यान कर रहे हो। पूजा ध्यान उपासना योग तो वहां पर है जहां पर आपका अपना मंडल है, आपकी अपनी भूमि है। विहंगम योग का जो दर्शन है, विहंगम योग की जो फिलॉसफी है वो क्या कहती है? पूजा करो, भक्ति करो, योग करो, उपासना करो, उस मंडल से जो मंडल अध्यात्म का है और जो मंडल चेतन है। तुम चेतन सत्ता हो, पूजा कर रहे हो जड़ इंद्रियों के द्वारा, जड़ कर्णों के द्वारा। सद्गुरु ने क्या कहा? इंद्रियों से नाही साधन, इंद्रियों से नाही साधन, नाही साधन प्राण से, चित्त मन से नाही साधन, चित्त मन से नाही साधन, नाही बुद्धि महान से। प्रकृति का आधार सजी स्वज्ञान से साधन चले, कहें सदा फल योग दुर्लभ।